है, अभी अंधेरा है, सुबह होने वाली नमाज का टाइम हो चुका है। ये जो घर के साथ वाला पार्क है उसका व्यू चेक करें आप। सुबह सुबह लाइट्स अभी ऑन है, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। तो अभी मैं थोड़ी सी वॉक कर चुका हूँ क्योंकि मैं काफ़ी अरसे के पढ़ रहा हूँ, वॉक के लिए तो बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करूँगा। अभी एग्ज़िट की तरफ जा रहा हूँ मैं जी। तो डिनर रेडी है, डिनर में है आज करेले, कीमा भरे करेले, माय फेवरेट। और साथ ये देखें देसी घी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं मुबशर अली हूँ और आप सबको मेरी नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बख़ैर आफियत होंगे और खुश व खुर्रम होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग एट 5:45 PM। ना 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 ना, आज नहीं, 5:45 AM। आप लोगों को पता है कि मैं डेली 3 बजे दोपहर को या 4 बजे उठता हूँ, इसलिए आप लोग पक्के हो जाएंगे कि मैं आज भी 5:45 पे शाम को उठ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, आज तो सुबह ही सुबह उठ गया आपका भाई। भाइयों और उनकी बहनों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। तो आज की जो मेरी वीडियो है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नहीं बताया ना, हाँ तो अभी बताने जा रहा हूँ ना, तो अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आज की जो मेरी वीडियो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल पर है। और हेल्दी लाइफस्टाइल कैसा है और किस तरह का है वो आप देखेंगे आज की वीडियो में। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको मैं बताऊँगा एसेंशियल्स किस चीज़ के, हेल्दी लाइफस्टाइल के। तो अभी आप वीडियो देखें और एंड पर जाकर देखें एसेंशियल्स, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो आपने पूरी देखनी है। तो अभी बस चलते हैं और निकलते हैं नमाज के लिए। फजर की नमाज मस्जिद में जाके पढ़ते हैं और उसके बाद वहाँ से चलेंगे ग्राउंड में, पार्क में, और वहाँ जाएंगे और थोड़ी सी वॉक करेंगे और फिर वापस आएंगे। अभी अंधेरा है, सुबह होने वाली नमाज का टाइम हो चुका है, फजर की नमाज का टाइम हो गया। मैं अभी घर से निकला हूँ, अभी अंधेरा है, अभी जाते हैं जाके नमाज पढ़ते हैं फजर की और उसके बाद फिर ग्राउंड में जाएंगे वॉक के लिए। ये जो घर के साथ वाला पार्क है उसका व्यू चेक करें आप। सुबह सुबह लाइट्स अभी ऑन है, कितना प्यारा व्यू आ रहा है सामने स्ट्रीट लाइट्स। फजर की नमाज पढ़ के मैं निकल आया हूँ, अभी ग्राउंड में पहुँचने वाला हूँ। कमर्शियल एरिया सटले टाउन में ये पार्क है, इसमें वॉक के लिए मैं आया हूँ। मार्केट्स देखें अभी क्लोज हैं सारी, लोग बहुत कम हैं अभी, ये फजर की नमाज के फौरन बाद का टाइम है। ये पार्क है जहाँ मैं जा रहा हूँ, ये आपके अंदर का व्यू दिखाता हूँ कितना खूबसूरत है। ये देखें जी, ये है कमर्शियल एरिया में सटले टाउन में पार्क, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, बहुत ही पुरसकून। अभी इसकी लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं और लोग भी अभी कम हैं, लोग अभी आ रहे हैं, इसलिए मैं इसको आराम से कैप्चर कर रहा हूँ। तो अभी वॉक करते हैं थोड़ी सी, उसके बाद चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं ग्राउंड में पहुँच चुका हूँ, अभी वहाँ पे थोड़ी सी वॉक करते हैं। बाहर का टेम्परेचर जो था आज सुबह का वो मिनिमम 14 था, तो इसलिए मैंने एक लाइट शॉप पर पहन लिया ताकि मैं ये ना हो के ठंड लग जाए, सुबह सुबह का टाइम था। तो अभी जो है
थोड़ी वॉक करते हैं, वॉक करने के बाद चलते हैं वापस और जाते हुए चने लेके जाएंगे। अब जाके चना पराठा का नाश्ता करेंगे या फिर अंडा चने और पराठे, ज़बरदस्त नाश्ता करते हैं जाके वापस। और अभी आपको ग्राउंड का व्यू भी दोबारा दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत है, बहुत ही पुरसकून माहौल है। अभी लोग बहुत कम है, सुबह सुबह का टाइम है फजर की नमाज़ के फौरन बाद, तो इस वजह से यहाँ पे अभी रश नहीं है। थोड़ी देर में यहाँ पे रश हो जाएगा और फिर मैं उससे पहले पहले बल्कि मैं निकल जाऊँगा। तो अभी आपको व्यू दिखाता हूँ बाकी। ये सामने का व्यू, दूसरा गेट अपोजिट साइड पे, वो सामने एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग, कुछ एक्सरसाइज करने की जगह बनी हुई। बाहर ट्रैक पर लोग वॉक कर रहे हैं, मैं अंदर वाले ट्रैक पर हूँ, क्योंकि तो बाहर ट्रैक पर जब ज़्यादा लोग होंगे तो वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है, डिस्टर्बेंस होती है, लोग भी माइंड करते हैं। और ये सेंटर की जगह है, यहाँ पर फुहारा भी चल रहा था किसी किस टाइम, लेकिन इस टाइम फजर का टाइम है तो बंद है। तो अभी मैं वॉक कर चुका हूँ थोड़ी सी, काफ़ी अर्से के बाद आया हूँ तो बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करूँगा, इसलिए अभी बस निकलते हैं वापस और घर चलते हैं और जाके नाश्ता करते हैं। अभी एग्जिट की तरफ जा रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल सामने जो आपको चने वाले भाई नज़र आ रहे हैं इनसे चने लेते हैं और फिर चलते हैं घर को। ये जो पार्क मेरे घर के साथ वाला है उसका व्यू है, बहुत ही अच्छा है पार्क ये भी बना हुआ, लेकिन यहाँ पर इसलिए वॉक नहीं की क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लेडीज़ होती हैं सुबह के टाइम, ख़ासतौर पर शाम को भी, लोग अभी बहुत कम हैं रोड पर। मैं वापस भी आ गया हूँ जी, तो ज़बरदस्त सा नाश्ता रेडी है, पराठे और उसके साथ हाफ फ्राई अंडा, चने जो मैं अभी लेके आया था बाहर से, और साथ अचार। चाय अभी रेडी नहीं है, चाय नाश्ते के बाद लेंगे, तो अभी जल्दी से नाश्ता करते हैं क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा है और नाश्ता भी जल्दी से ठंडा हो जाता है अब जी। तो मैं थोड़ी देर पहले घर आ गया था वॉक करके चने लेके, अभी नाश्ता रेडी है जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया भी है खूबसूरत व्यू नाश्ते का, तो अभी बस नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके चाय पियेंगे और उसके बाद फिर करेंगे वीडियो एडिट और उसके बाद फिर बाकी काम करेंगे। और आज मैं आपको बेहतरीन जो आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल का शेड्यूल बता रहा हूँ, तो आपने इसको कंप्लीट देखना है और आपने इसको अडॉप्ट भी करना है अगर पॉसिबल हो सके तो। वैसे मेरे से नहीं हुआ आज तक, एक दफ़ा ही किया था, नाश्ता बहुत मज़े का, और मैं करता हूँ नाश्ते पे हाथ साफ, आप भी करें कुछ ना कुछ नाश्ता वाश्ता। चाय आ गई है और अभी चाय पीते हैं और साथ साथ वीडियो एडिट करते हैं, ये सब करने के बाद बाकी रूटीन के काम करेंगे। मेरी तो यही रूटीन है, यहाँ पर नाश्ते के बाद आप अपनी रूटीन के काम करें और बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा। इधर हो रही है वीडियो एडिट अभी, बल्कि मैंने स्टार्ट करनी है, लास्ट प्रोजेक्ट ओपन है, अभी न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और फिर वीडियो एडिट करते हैं। वीडियो एडिट कर ली, अपलोड भी हो गई, मैं रेडी हो चुका हूँ क्योंकि आज जुम्मा है तो मैं जुम्मा नमाज के लिए रेडी हो गया हूँ। अभी जाते हैं जुम्मा नमाज के लिए, जुम्मा नमाज पढ़ के आते हैं और फिर आके करते हैं लंच। हाँ जी, लंच रेडी है, जुम्मे को मैंने आपको बताया था यह बिरयानी होती है, पुलाव होता, अभी खाना खाते हैं मज़े मज़े से।
जी तो लंच हो चुका है, और क्योंकि मैं सुबह से उठा हूँ नमाज से पहले का तकरीबन 5 बजे का, तो अब मुझे हल्की फुल्की नींद आ रही है। और वैसे भी दोपहर में रेस्ट करना चाहिए, सुन्नत भी है दोपहर के खाने के बाद रेस्ट करना, जिसको कैलुला करना कहते हैं। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, सुन्नत पूरी करते हैं, और फिर फ्रेश होके उठते हैं, फिर कुछ और करते हैं। ये भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल का एक पार्ट है। जी तो खाना खाने के बाद मैं सो गया था, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ और शाम हो चुकी है, तो अब थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। आज फ्राइडे की वजह से यहाँ पर जिम सारे क्लोज होते हैं, और वैसे भी मैं रेगुलर जिम नहीं जा रहा, मैं जस्ट थोड़ी बहुत एक्सरसाइज घर में ही कर लेता हूँ। तो आप भी जो है, अगर जिम ज्वाइन करना चाहें तो शाम में आप जिम जाएं, और अगर आप जिम ज्वाइन नहीं कर सकते तो फिर आप इजीली जो है घर में एटलीस्ट कार्डियो ही कर लिया करें, तो वो भी काफ़ी है। आप गूगल कर लें कार्डियो एक्सरसाइज, तो वो बहुत है। तो अभी थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद फिर जाते हैं नीचे और जाके करते हैं डिनर, और फिर इस व्लॉग को एंड करेंगे। जी तो डिनर रेडी है। डिनर में है आज करेले, कीमा भरे करेले, माय फेवरेट। और साथ ये देखें, देसी घी है, या शायद मक्खन पिघला के डाला हुआ, बहुत ही जबरदस्त। खाना खाने का मजा आ जाता है करेले के साथ, खास तौर पे कीमा भरे करेले। तो मैं डिनर करता हूँ, और आप लोग जो भी बनाए उससे डिनर कर लेंगे। जी तो नाजरीन, खाना खा चुका हूँ मैं, बहुत ही मज़े मज़े का, कीमा भरे करेले थे और मज़ा आ गया खाने का। तो रात के 10 बज चुके हैं और अब मैं सोने लगा हूँ, लेकिन सोने से पहले मैं आपको हेल्दी लाइफस्टाइल के जो एसेंशियल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने स्टार्ट यहीं से होता है काम, कि आपने रात को 10 से 11 बजे के बीच में सो जाना है हर सूरत, और सुबह फजर से पहले आप उठें, नहाएं धोएं, फ्रेश हों। अगर आप मस्जिद जाना चाहते हैं मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ें, बल्कि जेंट्स जो हैं वो लाजमी जाएं मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ें, और लेडीज़ जो हैं वो घर में नमाज़ अदा करें, और उसके बाद आप जाएं पार्क में करीबी, और अगर आपके घर के पास कोई पार्क नहीं है तो वैसे ही वॉक के लिए निकल जाएं बाहर, वॉक करें, जॉगिंग करें, और फ्रेश होकर वापस आएं, थोड़ा रेस्ट करें और फिर नाश्ता करें। नाश्ते के बाद अपने रूटीन वर्क करें। दोपहर में आप थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर करें, जो कि सुन्नत भी है, और वो आपको बिल्कुल फ्रेश कर देता है। शाम में या रात में खाने डिनर से काफ़ी देर पहले आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। जिम ज्वाइन कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप घर में कर लें हल्की फुल्की एक्सरसाइज, कार्डियो कर लें, और टाइम से डिनर कर लें। अभी मैं लेट हो गया हूँ काफ़ी डिनर में, टाइम से डिनर करें, और सोने से तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले डिनर कर लें, और कोशिश करें कि आप अगर आप 10 से 11 बजे के दरमियान सो रहे हैं तो 8 बजे तक आप डिनर कर लें, और उसके बाद आप 10 से 11 बजे लाजमी सो जाएं, क्योंकि बेस्ट टाइम जो सोने का है वो यही है। तो आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं इधर ही, उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आएगा इंशाल्लाह, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों बाब के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको एक और ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग देखने को मिलेगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।